नमस्कार साथियों साथियों, मैं स्पेंसर बोध गया फीचर के लिए मैं आप सभी स्वागत करता हूं। साथियों आज का वीडियो बहुत ही शानदार जानदार और जिंदाबाद में साथियों साथियों आज का वीडियो इंडियन आर्मी भर्ती संबंधित, यानी मैं बात करूं दानापुर जेडारो संबंधित, तीन यारो रांची यारो गया यारो और मुजफ्फरपुर यारो की जो फाइनली जो रिजल्ट आई है, मेरिट लिस्ट जो आई है साथियों, जो भी गिरी भाई का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जो भी गिरी भाई पैरा कमांडो में जाना चाहते हैं, तो उन भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है कि पैरा कमांडो का जो है सो कब से फिजिकल स्टार्ट होने वाली है। तो ऑफिशियली डेट साथियों सेना भर्ती कार्यालय गया के द्वारा जो है सो आउट कर दी गई है। साथियों मैं आपको बात करूं साथियों कि आप लोगों में बात करूं साथियों कि आपको 3 अक्टूबर को जो है सो गया यारो से जितने भी अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं, जो जीडी में क्वालिफाई किए हैं, उन जो भी भाई पैरा कमांडो में जाना चाहते हैं, उनका जो फिजिकल का जो डेट है साथियों 3 अक्टूबर को जो है सो मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच जो है सो रिपोर्टिंग करना है। और अगर मैं बात करूं साथियों यारो मुजफ्फरपुर का, तो यारो मुजफ्फरपुर के जितने भी कैंडिडेट हैं जो जीडी से बिलोंग करते हैं, जो पैरा कमांडो में जाना चाहते हैं साथियों, उसका जो रिपोर्टिंग जो डेट है साथियों 4 अक्टूबर को है। इनका भी रिपोर्टिंग टाइम है 4 बजे से लेकर के 4:30 के बीच में मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है। और मैं बात करूं रांची आरओ से जितने भी कैंडिडेट जीडी में क्वालिफाई किए हैं, जो पैरा कमांडो में जाना चाहते हैं, उनका जो है जो साथियों फिजिकल का जो डेट है साथियों आप लोगों का 5 अक्टूबर को जो है सो बुलाया गया है, यानी कि आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है सो आपको 4 बजे से लेकर 4:30 बजे यानी कि मॉर्निंग में जो है सो आपको रिपोर्ट करना है। साथियों मैं आप लोगों का एड्रेस की बात करूं तो आप लोगों को तीनों यारों से जितने अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को जाना कहां है, कौन से एड्रेस पे जाना है, तो सेना भर्ती कार्यालय गया ये आपका जो है सो नियर आपको मगध मेडिकल कॉलेज गया के बगल में है। लोकेशन के माध्यम से भी जा सकते हैं, जो भाई का कंफ्यूजन रहेगा हमसे फोन करके पूछ सकते हैं, एड्रेस से संबंधित कोई समस्या हो तो बेझिझक मेरा प्रयास रहता है मैं बच्चों को मदद करूं, किसी प्रकार कोई समस्या होगा बेझिझक आप जो है सो फोन कर सकते हैं। साथ ही नोट में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी 4:30 बजे के बाद अगर रिपोर्ट करते हैं मॉर्निंग में, तो उनको जो है सो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है सो टाइम से आप लोग जो है सो पहुंचेगा 4:30 से पहले जो है सो रिपोर्टिंग करिएगा, क्योंकि टाइम से अगर बेटाइम जाते हैं साथियों तो आप लोग के लिए जो है सो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग को रिपोर्टिंग जो है सो नहीं कराया जाएगा, तो ये बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से, जो आप लोग का सपना है पैरा कमांडो बनने का, ढेरों सारी शुभकामनाएं भाई, बस एफर्ट लगाना अपना हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है, निरंतर प्रयास करना है, आपका जो है जो सपना है पैरा कमांडो बनने का उसका काम जरूर होगा, ढेरों सारी शुभकामना है। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि तीनों यारो से मिलाकर, यानी कि गया यारो मुजफ्फरपुर रांची यारो, तीनों यारो से मिलाकर के पैरा कमांडो का कितना सीट है, तो मैं आप लोगों को साथियों बता दूं कि पैरा कमांडो में लगभग 51 सीट के आसपास तीनों यारो मिला करके है। तो ढेरों सारी शुभकामना है आप सभी को जो 51 सीट है तीनों यारो मिला करके, बस अपना दमखम लगाइए और अपना जो है सो एक सीट जो है सो पक्का करिए। अगर यारो बाई अगर मैं बात करता हूं तो 17 सीट के आसपास आप लोग को जो है तीनों यारों से सीट जो है मिलने की संभावना है, मतलब टोटल ओवरऑल सीट की मैं बात कर रहा हूँ, 51 सीट के आसपास साथियों जो है सो पैरा कमांडो का तीनों यारों मिला करके जो सीट है, ये मैं सटीक और सही जबरदस्त मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप सब जानते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से सही सटीक ही जानकारी दी जाती है, जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं रहता है तथा हमारे चैनल पर जो है वीडियो नहीं जाती है। तो साथियों आप सभी को ढेरों सारी शुभकामना फिर से है, साथियों आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार से सही सटीक और जबरदस्त वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक सभी को जय हिंद।